लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ कुमार विक्रम। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भागलपुर के खरीक गांव के तुलसीपुर में विधवा महिला को दुधमुही बच्ची के साथ जिंदा जलाया, मां और बेटी की मौत, ससुराल वाले फरार। भागलपुर नवगछिया खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में विधवा महिला बेचनी देवी पति स्वर्गीय विनय कपारी को ससुराल वालों ने करीब 2 वर्षीय दुधमुही बच्ची मनीषा कुमारी को किरोसिन से छिड़क कर जिंदा जला दिया, जिसमें बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए खरीक PHC लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। चिकित्सक के अनुसार महिला 80% जल चुकी थी। महिला का इलाज कहां हो रहा है, इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, जिसकी पुलिस भी पता लगाने में जुटी हुई है। यह घटना रविवार की दोपहर 11 बजे की बताई जा रही है, किंतु लोगों को घटना की भनक तक नहीं लगी, जब घायल महिला के मायके वाले रविवार की शाम खरीक थाना पहुंचे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई एवं तुलसीपुर पहुंची, जहां घर के सभी सदस्य फरार थे। कमरे से किरोसिन का दुर्गंध आ रहा था। वहीं पड़ोस के यहां छिपे बच्ची की दादी जयमाला देवी को पुलिस हिरासत में ले लिया। वहीं बच्ची की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया भेजा। महिला को एक पुत्र और एक पुत्री है, जिसमें पुत्र ननिहाल में रहता है, जबकि पुत्री माँ के साथ ही रहती थी। घटना को दुर्घटना का रूप देने का किया गया प्रयास। मायके वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल वालों ने पूरी तैयारी के साथ महिला एवं उसकी बच्ची को आग जलाकर जिंदा जलाने के प्रयास में थे, किंतु घटना को दुर्घटना का रूप देने एवं उनके कुकृत्य को छिपाने के लिए अंतिम स्थिति में लोगों को दिखाने के लिए इलाज के लिए PHC लेकर आए, जबकि बताया कि पूर्व में भी मेरी बेटी को ये लोग काफ़ी प्रताड़ित करते थे, जिसको लेकर कई बार ससुराल वालों को समझाया बुझाया भी गया, किंतु ये लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए और अंततः बड़ी घटना को अंजाम दे ही दिया। वहीं पड़ोस के लोगों ने बताया कि इसके यहाँ रोज आपसी विवाद होते रहता था। पहली पत्नी को भी ससुराल वालों ने जहर खिलाकर मार डाला था। ग्रामीणों ने बताया कि महिला के पति ने बेचनी देवी से दूसरी शादी की थी, जबकि पहली पत्नी को भी जहर खिलाकर मार डाला था, जिसके बाद बेचनी देवी से दूसरी शादी किया। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद करीब 2.5 साल पूर्व इसके पति विनय की गंभीर बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद सास, गोतनी, देवर समेत सभी ससुराल वालों ने प्रताड़ित करने लगे। महिला 5 गोतनी है, जिसमें सबसे बड़ी है। वहीं पुलिस हिरासत में घायल महिला की सास ने बताया कि महिला ने खुद आग लगाई है, किंतु सबसे बड़ा सवाल है कि महिला के ससुराल वालों ने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी और घर से सभी सदस्य क्यों फरार है। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि महिला के सास जयमाला देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महिला विधवा बेचनी देवी का इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गया। भागलपुर से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। घर वाले पूरे परिवार मिल के इसको बांध के इसको घर में करासन तेल छींट के माँ और बच्ची, 2 साल का बच्ची है, लड़की थी और माँ, दोनों को जला दिया और जला के जो है निपटा करके लाश को यहाँ मायागंज में दे दिया गया और मायागंज में भी लाश छोड़ के उसे भाग गया। हम लोगों को कल दिन भर खोजे, नहीं मिला। आज हम लोगों को पता चला, सुबह हम लोग यहाँ आए तो लाश मिला। कल बच्ची का लाश मिला था, आज माँ का लाश मिला सर। लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर है।